आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए, पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। साथियों, आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, देश का विकास कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे अनगिनत बलिदान है। मैं पुलवामा के शहीदों को एक बार फिर नमन करता हूं। साथियों, देश की सुरक्षा के साथ ही देश की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।